वेलकम टू माय चैनल बेक मी अवेश बाय एसके। आज हम फाउंडेंट केक को डेकोरेट करना सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चॉकलेट केक बेक करके ठंडा करके उसको फज लगाकर हमने फ्रिज में रख दिया था चिल होने के लिए। फाउंडेंट केक के लिए केक का चिल होना बहुत जरूरी है। व्हाइट फाउंडेंट में पिंक कलर का फाउंडेंट मिक्स करके बहुत लाइट पिंक शेड दिया हमने फाउंडेंट को। अब उसके ऊपर पिंक कलर की स्ट्रिप्स लगाकर हम उसको बेल लेंगे। जरूरत हो तो डस्ट लगाएं। स्मूदर की मदद से फाउंडेंट को सेट करेंगे। जहां से मोटा है वहां और बेल लेंगे। स्मूदर से हल्के हाथ से सेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। ज्यादा स्ट्रेच करने से फाउंडेंट फट जाता है और उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह से ऐसा हो चुका है कि ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से फाउंडेंट थोड़ा फट गया है। एक्स्ट्रा फाउंडेंट को हम कटर की मदद से काट लेंगे ताकि काम करने में आसानी हो। अब स्मूदर से फाउंडेंट को अच्छी तरह सेट करेंगे। जहां से थोड़ा फाउंडेंट डैमेज हो गया वहां से भी सेट करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि अगर केक ज्यादा ठंडा होगा फ्रिज में ओवरनाइट आप रखेंगे तो फाउंडेंट बहुत अच्छा सेट होगा केक के ऊपर। और अगर हमारा केक बहुत फ्रेश होगा तो हमें फाउंडेंट सेट करने में मुश्किल पेश आएगी। तो काफी हद तक फाउंडेंट सेट हो गया केक के ऊपर। बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको सेट करेंगे। एक्स्ट्रा फाउंडेंट काट लिया। यहाँ ऊपर आप एजेस पे देख रहे हैं कि फाउंडेंट डैमेज हो गया, तो इसको हम कवर कर लेंगे। सेट करेंगे। केक बोर्ड रख कर केक के ऊपर उसको टर्न कर लेंगे। नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी और ये वाला केक बोर्ड बहुत एहतियात से हटाएंगे। अब फिर स्मूदर से इसके एजेस को सेट करेंगे। पहले
हल्के से केक के लिए जो बोर्ड तैयार किया हुआ है उस पर चॉकलेट लगाएंगे और केक के ऊपर रखेंगे। ये बोर्ड आपका बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए और केक को टर्न कर लेंगे। उधर से इसके एजेस को दोबारा से सेट करेंगे। अब केक के ऊपर टॉपर लगाएंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। टॉपर्स को अच्छी तरह सेट करेंगे ताकि जब केक मूव को गिरे ना। अच्छी तरह सेट करेंगे टॉपर्स को। आप फ्लावर्स सेट करेंगे। फ्लावर्स टॉपर हमने पहले से रेडी करके रखे हुए थे। आप भी अपने टॉपर्स को एक दो दिन पहले रेडी करके रखें। हमने गम पेस्ट से रेडी किए हैं और ये ड्राई हो चुके हैं, इसलिए बड़ी इजीली हम केक के ऊपर सेट कर सकते हैं। लीव्स लगाएंगे। केक का बॉर्डर लगाएंगे। अच्छी तरह सेट करेंगे। पहले पानी लगाएंगे केक को, फिर उसके ऊपर ये बॉर्डर सेट करेंगे। यहाँ केक के ऊपर हमने पहले से नाम लिख के उसको गोल्डन डस्ट कर लिया है। अब हम हैप्पी क्रिसमस क्या लिख रहे हैं और आप इस तरह सेट करेंगे कि बिल्कुल हम फ्रंट देखेंगे केक का और फिर हम उसके ऊपर वर्डिंग सेट करेंगे, फिर उसको पानी से चिपकाएंगे। हमने वर्डिंग को पानी से चिपका कर ऊपर गोल्डन डस्ट लगा रहे हैं। पसंद आती हैं तो हमें फीडबैक दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस तरह के खूबसूरत फूल बना के आप जहां डैमेज हो वहां लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।